राम राम जी सबको। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ही होंगे, हम भी बढ़िया ही हैं, मौज में एकदम कच्चे काट रहे। तो सुबह ही सुबह आ गए थे आज तो, और भी जल्दी 6-6:30 बजे के आसपास आज हम खेत में आ गए थे, क्योंकि पापा जी को कुछ और काम था। तो अब तो देखो, पहले करनी रहती 12 घंटे रखवाली, बट अब करनी पड़ रही है 24 घंटे, तो दिन रात कोई ना कोई होना ही चाहिए। अब सुबह के टाइम नवरात्रि थे जैसे कि चल रहे थे, तो सुबह के टाइम पूजा करनी होती थी पापा जी को, तो इस वजह से भाई और मैं आ जाते थे। बट आज चीता भी आया है, तो आ जा भाई का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई हवा चल रही है एकदम फर्स्ट क्लास, जिसे बोलते हैं एकदम तूफानी हवा, ठीक है जी, एकदम मतलब अंध की काट रखी है हवा ने। सुबह सुबह तो जाड़ा लगन लग गया था, मैं ठंड लगन लग गई थी बढ़िया वाली। तो पापा जी जो है छत पे सोते हैं, तो छत पे बैठे हैं हम भी, क्योंकि एक तो छत पे जो है ना अच्छी रखवाली होती है, दूर तक का देखता है, और ठीक है अपना बढ़िया हवा अच्छी लगती है। तो देख लो भाई साहब, हवा तो एक नंबर चल रही है, जैनविन चीज। देखो अभी तो हल्की है पर चलेगी, अभी देखो झटके झटके से मार रही है मिनट मिनट में। यो देख लो, यो खाट पड़ी, एक यो पड़ा, और बस। और सुबह सुबह लग रही थी हमें भूख, तो मतलब सुबह उठते ही भूख लग गई थी, बट खाने का मूड नहीं था, तो सोचा कि यार रात के टाइम जवे बनाए थे, तो मम्मी जवे पैक कर दो, अपना ले आए थे, खा लिया अपना, ठीक है फर्स्ट क्लास है अपना, जिस टाइम भी जाएंगे अपना चले जाएंगे। तो अभी का क्या सीन है, अभी का कुछ सीन नहीं है, अभी देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तो फिलहाल इंतज़ार करेंगे, क्योंकि घर पर जाएंगे नहाएंगे धोएंगे अपना, और फिर कल हमें दिल्ली के लिए भी निकलना है सुबह के टाइम, तो ट्रेन से ही जाएंगे, देखते हैं जैसे भी प्रोसेस है। बैग पैकिंग वैकिंग करनी पड़ेगी आज तो अपने को, और तो क्या ही था, बस हवा तो जैनविन चल रही है भाई साहब, मौज बांध रखी है, ऐसा जी कर रहा, बस सो जाओ पड़ गए एकदम, चीत हो जाओ, उठो ही मत, पर क्या यार जगना जरूरी है। ये देख लो भाई साहब, यहाँ से जो है ना ऊपर से पूरा चमकता है एकदम वहां तक का, तो सही है अपना। देखो भाई साहब क्या हवा चल रही है, सोन लग रहा है, इसे नींद आ रही, ओए होए होए होए, मौजी बांध दे भाई साहब, आज तो हवन है भाई साहब। भैया जी सो रहे थे हमारे, यहाँ चश्मा रख रखा था और वो गिर गया नीचे, लेंस भी होगा देख नीचे ही, हवा एकदम कड़क के चल रही है पता, फिर भी यहाँ चश्मा रख दिया, अरे होगा नीचे देख, लेंस मैं को देख, यो मिल गया, लेंस लिगड़ जाए इसका। तो भाई टाइम हो गया 2 बज गए, और जी के भूख लगी बहुत तेज, जो कुछ खाया पिया था सब हजम हो चुका है एकदम, अब कुछ नहीं था पेट में, बिल्कुल खाली हो गया, तो चिपका मत कर, आज तेरा जन्मदिन है, पिट पुट आ जाएगा तो बिन बात। तो भाई भूख लगी आई थी, तो शिवम की कॉल आ रही 10 बजे से, उनको आ रहा, अब वो उसी की बात में मगल है, आ जाएगा। तो अब देखेंगे, मम्मी की भी कॉल आई थी कि एक तो साला मेरा शिवम नहीं आता, फोन नहीं आता वैसे, हाँ उस वो नहीं आता कभी भी, उसके फोन ही फोन आएंगे, वो नहीं आएगा साला कभी भी, जब भी फोन करेगा आ रहा हूँ, पूरा दिन निकल जाएगा, पर भाई साहब नहीं आएंगे। अब भाई काम वगैरह, फिर वो सरदना वगैरह चला गया बाल वगैरह कटवाने, तो वैसे बाल तो हमने भी कटवा लिए एकदम परफेक्ट चिकने हो गए। और अभी मम्मी की भी कॉल आई थी कि खाना वगैरह कैसा करना, तो मैंने बोल दिया कि शिवम आएगा तो मैं उससे एक बार पूछ लूँ, अगर शिवम आ रहा हो तो शिवम को दे देंगे, वरना फिर भाई जो है कुनाल लेकर के आ जाएगा, फिर अपना घर पे चलेंगे आध पौन घंटे बाद, जैसे भी है पापा जी आ जाएंगे हमारे वगैरह करके, फिर और तो बस मिलते हैं, भी करते हैं भाई। 2000 years later. भाई यो आ गया शिवम, इसकी साइकिल की गद्दी बिगड़ गई, अरे मोटरसाइकिल लान की कह रहा था यहाँ को, ओ बोलेरा गद्दी, तेरे से कही नहीं थी फिर, और तू मोटरसाइकिल ले आता यहाँ को, भाई साहब यू तो पूरी पलटन लाया,
एक दो तीन, अरे गुआरा पीछे चार, चार बंदे लाया पूरे के पूरे, अरे एक अपने आप पांच। हाँ भगा दूं? तुम आए क्यों भैया? घरो घरो साइकिल था कहाँ पे आया तू? घरो मजाक नहीं कर रहा, साइकिल था घरो। चल रे चले इतना यहाँ से। क्यों आया था तू? तो भाई खाने में क्या आयो? सब्जी आलू की, चावल वो दाल, दाल पूरी और रोटी। चला यार खा ले, पहले बहुत तेज भूख लग रही है। तो आ गया ओ खाओगे? तू खा के आया? ठीक है चल। तो भाई इससे हमने पावर बैंक भी मंगाया था, मैंने कही थी मगर पावर बैंक ले गई है वो टाटा केबल कहाँ लेगी। हाँ मगर पावर बैंक ले गई है। तो भाई साहब पावर बैंक तो लिया है, बट एक चीज़ देखो तुम, ये डाटा केबल ले गया भाई साहब हमारे, और हमारे फ़ोन में लगती है टाइप सी। वाओ, और फ़ोन है हमारा 3%। चलो यार पहले खा लूँ, बहुत तेज भूख लग रही। इसके साइकिल चलाने देखे भाई, अब कैंचे वाले साइकिल चला रहा भाई साहब। आ जा जल्दी, आ जा। ये देखो ए ए आवे तो वे लोंडे पे ए ए भाई ए भाई ए भाई ए चाता का मुही जेडे तो मैं डरता सी। आए हाय आ की करता फिरे? ना ना चला, गद्दी रख। इसकी गद्दी उतर के गिर गई थी भाई साहब रास्ते में, खंचा तो हो रहा बहुत तगड़े वाला। यो साइकिल बाइक लाने को यार, तो मैंने इससे गई थी, मैं साइकिल ले आई है, अरे साइकिल पे भी गिर गया। तो भाई अब के पेट पूजा तो होगी। तो भाई फोन रह गया 3%, ओनली 3%। अब देखना यह है कि हमारा फोन कब तक हमारा साथ देता है, क्योंकि भाई साहब डाटा केबल तो लाए नहीं, पावर बैंक ले आया, ब्लूटूथ चार्ज लग रही है बस। और अगर और आगे की रिकॉर्डिंग कर सकता है तो फोन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। भाई साहब तो पड़े, भाई साहब ने तो हमारा आज केस कर दिया थोड़ा सा। नू कही थी क्या क्या भेजा था, मगर डाटा केबल दोनों लाइयो, मेरा भी और भाई का भी, पर ये दोनों में से किसी का नहीं लाया, और जो नहीं बोल रही थी वो वाला ले आया। तो चलो खैर कोई बात नहीं, जैसा भी है, जब तक फोन चलेगा चल जाएगा। हवा तो बढ़िया चली रही, खैर वैसे ऐसा सिस्टम होना चाहिए था, हवा से भी फोन चार्ज होना चाहिए था, कितना मजा आता ना। है नहीं, हमारा तो 100% रहता, आज इतनी बढ़िया हवा चल रही। तो भाई 110 ही हो जाता पूरा ही। लो भैया तुम भी क्या याद रखो, क्यों हवा इतनी तेज चल रही, झटके से बढ़ती है एकदम चार्जिंग थारी की में। तो चलो यार करते हैं थोड़ा सा अपना एंजॉय। एंजॉय क्या करना, पड़ेंगे हम तो देख लो। तो भाई खेत में से आ गए थे, जैसे कि मैंने बताया था फोन 3% था, और वो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद ही तुरंत ही डाउन हो गया था, 2% पे बंद हो गया हमारा फ़ोन। तो अब खेत से आए थे, आने के बाद भाई चला गया, पापा जी तो अभी यहीं हैं, तो वर्त वगैरह खोल करके जाएंगे, इतना भाई रहेगा। और जी के फ़ोन चार्ज कर लिया, 50% हो गया अभी, लाइट भाग गई थी हमारे, और इन्वर्टर तुम्हें पता ही है ख़राब है हमारा। तो अभी जो है भाई का बर्थडे है ही आज, आप सबको पता ही है, तो सामान वगैरह लेने के लिए चलेंगे सरदना, केक वगैरह, बैलून्स, बिस्किट और टॉफी वगैरह, जो कुछ भी अपना सब सामान लाएंगे, देख लेंगे जैसे भी अच्छा अच्छा लगेगा अपने को। तो अभी तो बस निकलेंगे जल्द से जल्द। तेरी छाती में गड्ढा सुधी फौस छोड़ा, स्प्लेंडर पे काटा पूरी मौज छोड़ा, NCR में रखा पूरी धौस छोड़ा, मैं बदमाश छोड़ा, बदमाश छोड़ा तेरी छाती में। सामान ले रहे भाई, भाई का जन्मदिन का 30 पीस है भैया। कितने? 30 पीस। कितने का है? अरे एक लीटर में डाल दिया भैया। तो भाई साहब भाई के बर्थडे का सामान ले लिया, भाई का बर्थडे है आज, टोपी दिख रही बस, और कुछ नहीं दिख रहा, सब सामान इसके अंदर है, केक, बैलून्स और क्या बोलते हैं, जो कुछ भी है दिखा देंगे, डेकोरेशन होने के बाद सब कुछ दिखा देंगे। और तो भाई की माला बहुत चमक रही है, मुस्कुरा गया। तो भाई अभी तो बस घर के लिए निकल रहे हम, सब्जी वगैरह भी लेनी थी, पर सब्जी के रेट इतने बढ़ रहे यार, 70 रुपए किलो गोभी।
70 रुपए किलो। खैर गोभी तो भी महंगी होनी चाहिए, पर 120 आलू कोई बात नहीं। चलो स्प्लेंडर पे कटा पूरी मौज छोड़ा, एनसीआर में रखा पूरी धौंस छोड़ा। तो भाई घर आ गए, सामान वगैरह सारा ले गए, कोई सामान रहा नहीं, और बस अभी तो सामान वगैरह देगा चाचे के घर पे। अपने घर पे आए थे, अभी चलेंगे डेकोरेशन वगैरह करेंगे। पंप का जुगाड़ कर रहा था मैं, बट पंप का नहीं हो पा रहा है, तो वो वाला पंप नहीं, हवा वाला, वो दूसरा पंप आता है गुब्बारों वाला, पता ही होगा अक्सर लोगों को। तो बस अब डेकोरेशन करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम भी यार बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। फिर मामा जी वगैरह भी आएंगे, तो उससे पहले सोच रहा हूँ कि तब तक मेहमान वगैरह आए एक दो, उससे पहले पहले निमट जाए तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, बस अभी तो डेकोरेशन वगैरह करेंगे। भाई डेकोरेशन वगैरह करके आ गए थे बाहर, थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे खेत, वहाँ खेत में करा, सॉरी खेत की आदत होगी अब तो, दुकान पर घूम। अभी दिखाता हूँ आपको डेकोरेशन वगैरह कैसी हुई है, ज़्यादा बड़े ही हुई वैसे तो, जैसा भी है अपना ठीक ठाक करते हैं अभी। हाँ फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है, अभी तो पहले केक वगैरह काटते हैं फिर देखते हैं। केक भी था ठा ठा ठा, चल 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 बांट दे चाचा को खवा। चलो भाई भाई, सारा सेलिब्रेशन हो गया, भाई का बड़े बड़े तरीके से मन गया एकदम परफेक्ट। और अभी जो है हमें निकलना है सुबह का टाइम, जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी ट्रेन है, तो गुड़गांव जाना है अपने को, क्योंकि वहाँ पे भी दिसु भाई के घर पे वो है जन्मदिन कह रहा हूँ जागरण और भंडारा, तो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाना जरूरी है। और 6 तारीख को मेरे को कॉलेज में भी पहुँचना बहुत ही जरूरी है। तो बस अभी पैकिंग वगैरह कर रहे थे अपनी, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है, तो ये तो पैकिंग कर लें फिर देखते हैं। तो भाई हमारी पैकिंग हो चुकी है एकदम कंप्लीट, जो बैग भर गया, और उस वाले बैग में लैपटॉप वगैरह एक दो जोड़े कपड़े हैं, बाकी सब सामान रख लें। चार्जर वगैरह रह चुका है, वो सुबह के टाइम में धर लेंगे, बस छोटी मोटी चीज़ रह गई अब तो। और तो बस, तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले। और अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो कर दो सब्सक्राइब एंड दबा देना बेल आइकन। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।